दोस्तों हम सभी लोग सत्र 2022-24 डाइट लखीसराय के प्रशिक्षु हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय श्री के पाठक जी के द्वारा हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि जो अगस्त में आने वाली वैकेंसी है उसमें हम लोगों को अपियरिंग दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जो सुचारू हो चुका था एग्जाम के का जो परीक्षा तिथि जारी कर दी गई थी उसे उन्होंने एक माह पूर्व किया। इसके लिए हम लोगों ने उन्हें दिल से शुक्रिया भी अदा किया कि हमें जो है एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा शिक्षक बनने का और 2022-24 सत्र के प्रशिक्षुओं को उसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। परंतु सरकार की ये जो नई नीति आ रही है जिसमें कि वो इस वैकेंसी को मार्च में कराने जा रही है ये हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। हम लोग अंदर से टूट चुके हैं कि हमने पिछले दो साल से जो मेहनत करते आ रहे हैं ना सिर्फ महाविद्यालय में अपने कॉलेज में बल्कि जो है जी जान लगा चुके हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में भी अपने आप को तराश रहे हैं। जिस सरकार की जो भी नियमावली आ रही है जो भी नियम कानून आ रहे हैं हम उन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं ताकि आगे आने वाली जो वैकेंसी है उसमें हमें स्थान दिया जाएगा। लेकिन सरकार की ये जो नीति है इससे हम सभी लोग टूट चुके हैं और अगर यही रहा फिर हम लोगों के दो साल पढ़ाई करने का मतलब क्या रहा। इसलिए ये सरकार को ध्यान देना होगा, हमें इसके लिए आंदोलन करनी पड़ेगी, सरकार के सामने अपनी मांग रखनी पड़ेगी कि जैसा पूर्व निर्धारित हुआ था पूर्व निर्धारित के अनुसार से ही ये जो है वैकेंसी जो है ये जो रिक्रूटमेंट आने वाली है शिक्षकों की ये रिक्रूटमेंट पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार से अगस्त में ही करवाया जाए, इसे खींच करके मार्च में नहीं लाया जाए। नहीं तो हमारे जैसे ऐसे लाखों प्रशिक्षु हैं जिनके ऊपर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है कि अगस्त में होने वाले एग्जाम मार्च में कराने का जरूरत क्यों पड़ गया, ऐसी क्या कमी पड़ गई जो मार्च में कराना जा रही है सरकार। ये हम सभी के लिए देखिए हमें इसे मतलब नहीं है कि सरकार किन्हीं की भी रहे, हमें हमारी आवश्यकता के हमें हमारी आवश्यकता पूरी करनी है। जैसे आप सरकार हमारी सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हमें उसमें सम्मिलित किया जाएगा, हमारी मांग ये है कि इस वैकेंसी को पूर्ववत ही जो है रखा जाए, अगस्त में ही कराया जाए और हम लोगों को जो है स्थान उसमें दिया जाए या हम या फिर हम लोगों को अपीयरिंग वाला मौका दिया जाए, अभी भरने का मौका दिया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रिय मित्रों हम सभी लोग जो हैं डाइट लखीसराय सत्र 2022-24 के प्रशिक्षु हैं और पिछले तीन दिनों से बहुत ही तनाव, तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ये जब पूर्व से सुनियोजे आपसे आप लोगों से शेयर करेंगे और आपसे जो है सहयोग की उम्मीद रखते हैं। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हम लोगों के प्रतिभा को दबाया ना जाए, हमें भी इस वैकेंसी में मौका मिले। एक ही लोगों को बार बार आप मौका दे रहे हैं, TRE 1 हो, TRE 2 हो और अब TRE 3 है, आखिर हम लोग को प्रतिभा को दबाया क्यों जा रहा है। संविधान में जो दर्ज है समता और समानता का अधिकार, तो हम लोग को अवसर दिया जाए इसमें। और हमारा मांग रहेगा लखीसराय डायट से जितने भी प्रशिक्षु हैं उसकी तरफ से हम मांग रखते हैं 2 तारीख को कि BPSC 3.0 का जो वैकेंसी आ रहा है वो जो समय से आयोजित होना था अगस्त सितंबर में उसे जो खींच कर आनन फानन में मार्च में कर दिया गया है उसे लौटाया जाए। और दूसरी मांग हम लोग की रहेगी कि जो 2022-24 बैच का जो छात्रवृत्ति अटका हुआ है उसे यथाशीघ्र दिया जाए और बिहार के प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में जो भी रिक्तियां हैं उसे सबको एक जगह कैलकुलेट करके सभी रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए। और जब तक हम लोग को ये जॉब नहीं मिलता है 10,000 रुपये मासिक भत्ता बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाए। बहुत सुंदर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो SEP विद्यालय अनुभव कार्यक्रम का आयोजन और इस कैलेंडर के अनुसार अभी भी बताया जा रहा है इसमें कि एग्जामिनेशन मार्च में होगा, आप बताइए हम लोग क्या करेंगे। इसके अनुसार से तो हम लोग खत्म हो गए, हमारा तो कोई उपाय नहीं है कि वैकेंसी में शामिल हो गए। इसके बाद कब सरकार आएगी, क्या होगा नहीं होगा, आप लोग बर्बाद हो जाएंगे इसमें।